A very good afternoon to all my dear HS second year students. I hope all of you are doing well. So, हम लोग अपना last chapter that is religion कर रहे हैं. So, मैंने अपने previous video में आप लोगों को एक question पूछा था. Does religion lead to morality or morality lead to religion? So, इस question के answer में almost दुनिया के जितने भी लोगों से पूछा गया है All of them have different opinion regarding the answer. बहुत से लोगों को लगता है that religion and morality both are independent. Okay, morality exist कर सकता है religion के बिना और religion भी exist कर सकता है morality के बिना. वही दूसरी ओर बहुत से लोगों को लगता है कि religion leads to morality. रिलीजियन से मॉरेलिटी आता है और बहुत से लोगों को लगता है कि मॉरेलिटी लीड्स टू रिलीजियन मॉरेलिटी से रिलीजियन तक पहुंचते हैं ठीक है सो एवरी वन ऑफ अस हैव डिफरेंट ओपिनियन अबाउट दिस क्वेश्चन वेदर मॉरेलिटी लीड्स टू रिलीजियन और रिलीजियन लीड्स टू मॉरेलिटी सिमिलरली जितने भी फिलोसोफर्स हैं उनका भी ओपिनियन अबाउट रिलीजन अबाउट मॉरेलिटी इज डिफरेंट सो अपने प्रीवियस वीडियो में मैंने दो फिलोसोफर्स का व्यू आप लोगों को बताया था एक है इमानुअल कांट जिनको लगता है रिलीजन हमेशा मॉरेलिटी को लीड करता है ओके रिलीजन लीड्स टू मॉरेलिटी रिलीजन इज प्रायर टू मॉरेलिटी क्योंकि उनको लगता है कि जितने भी वर्चुअस लोग हैं अच्छे लोग हैं अच्छे काम करते हैं ऑनेस्टली जीते हैं विदाउट एनी क्राइम विदाउट एनी सिन दूसरों का हेल्प करते हैं वो ज्यादातर दुखी होते हैं वर्चुअस मैन आर अनहैप्पी बिकॉज दे आर अनहैप्पी विद द अनहैप्पीनेस ऑफ अदर्स They always want to help others. They want to do good deeds. But in this sinful world, जहां पे crime ज्यादा है sin ज्यादा है criminals ज्यादा है यहां पे survive करना as a good person is very tough. And that's why they are unhappy. But जो sinful लोग हैं जो crime करते हैं okay? They don't have any value for any emotion, any feeling of others, because they don't think of others. वो दूसरों के बारे में सोचते ही नहीं है वो हमेशा खुद के बारे में सोचते हैं Selfish people, sinful peoples are selfish peoples. They does not follow any moral laws. They does not do their duty properly. They does not take up any responsibility. They just want to do crime to earn money, artha, so that they can be happy in this life. And once they earn money, they are happy, right? They have power, they have money. और अगर power है, money है, और हम selfish है, सिर्फ खुद के बारे में सोचते हैं, तो फिर there is no reason to be unhappy. So according to Kant, the sinful peoples are happy. But this is not justified. ये तो correct नहीं है. It is not justice. अच्छे काम करने से अगर हम लोग दुखी रहे और बुरे काम करने से अगर हम लोग सुखी रहे तो फिर there is no justice, right? So Kant says that the justice will be done by God. Okay? The sinful peoples will be punished by God and the virtuous peoples will be rewarded by God. So, इस life में जितने भी sin किया है उसका सजा जरूर मिलेगा इस life में जितना भी अच्छे कर्म किया है उसका reward भी जरूर मिलेगा किससे मिलेगा गॉड से मिलेगा द सुप्रीम पावर एंड दैट इज द रीजन वाई कांट को लगता है रिलीजियन लीड्स टू मॉरेलिटी ओके रिलीजियन इज
prior to morality. Morality से पहले religion आता है. Similarly, जो Matthew Arnold है, उनका भी view थोड़ा सा different है. उनको लगता है morality leads to religion. Okay. उनको लगता है हम लोग अच्छे काम जो करेंगे, हम लोग जो अपना moral law follow करेंगे, okay, किसके लिए करेंगे, कौन है जो देख रहा है हमारा अच्छा काम, कौन देख रहा है. सो उनको लगता है देयर इज अ हायर ऑब्लिगेशन, हु इज लुकिंग आफ्टर आवर मॉरल डीड्स, गुड डीड्स. एंड हु इज दिस हायर ऑब्लिगेशन? गॉड इज द हायर ऑब्लिगेशन, जिनके वजह से हम लोग अपना काम करें, अच्छे काम करें. So, according to Matthew Arnold, morality leads to religion. But question wahi ke wahi raha. Okay, the question is, kya koi aisa insaan hai jo moral hai, achha insaan hai, par wo religious nahi hai? Ya fir koi aisa insaan hai jo religious hai, par मॉरल नहीं है? व्हाट डू यू थिंक? यस, ऐसा हो सकता है. बहुत सारे अच्छे लोग हैं जो अच्छा काम करते हैं. दे आर वर्चुअस मैन, दे आर गुड मैन, दे फॉलो देयर मॉरल लॉज, दे टेक देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, दे डू देयर ड्यूटीज अकॉर्डिंग टू द मॉरल लॉज, बट दे आर नॉट रिलीजियस, दे डज नॉट बिलीव इन गॉड. ओके, इसका मतलब ये नहीं कि अगर मैं भगवान पर बिलीव नहीं कर रहा हूं, अगर मैं किसी रिलीजन में नहीं हूं तो मैं अच्छा नहीं हूं, ऐसा नहीं है. ओके, सो देयर आर मैनी पीपल्स हु आर गुड, हु आर वर्चुअस, बट दे आर नॉट रिलीजियस. सिमिलरली देयर आर मैनी पीपल्स हु आर से रिलीजियस, but they are not good, they are not moral. Okay, बहुत से लोग भगवान के नाम पे दूसरे लोगों को ठगते हैं, बहुत से लोग अल्लाह के नाम पे दूसरे लोगों को ठग के पैसा कमाते हैं. So religion के नाम पे भी बहुत सारे sin होते हैं, God के नाम पे भी बहुत सारे sin होते हैं, होते हैं कि नहीं होते हैं? आप लोगों को पता ही होगा, बहुत से ऐसे लोग हैं जो गॉड के नाम पे सिन करते हैं. दे आर द सिनर्स, दे हाइड देमसेल्फ इन द ड्रेस ऑफ डिसगाइज ऑफ रिलीजन एंड दे डू द सिन. सो दे आर रिलीजियस बट दे आर नॉट गुड पीपल्स. ओके, सो रिलीजन डज नॉट लीड टू मॉरलिटी और मॉरलिटी डज नॉट लीड टू रिलीजन. एक दूसरे को लीड नहीं करते हैं. लोग रिलीजियस हो सकते हैं बट अच्छे या फिर मॉरल नहीं होते. लोग मॉरल हो सकते हैं बट रिलीजियस नहीं होते. ओके, बट देयर इज वन पॉइंट विच वी शुड नोट इज दैट रिलीजन एंड मॉरलिटी आर इंटरडिपेंडेंट टू ईच अदर, दे कैनॉट बी सेपरेटेड, क्योंकि दोनों रिलीजन एंड मॉरलिटी का एम जो है वो सेम है. एंड वट इज द एम ऑफ रिलीजन एंड मॉरलिटी? अच्छा सिखाना, अच्छे कर्म करना, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी अकॉर्डिंग टू द मॉरल ऑर्डर फॉलो करना, दूसरों का हेल्प करना, भाईचारे के साथ रहना, अपने फैमिली, अपने सोसाइटी, अपने स्टेट और अपने कंट्री के लिए अच्छा करना. सो दोनों का एम सेम ही है, इसीलिए मॉरलिटी एंड रिलीजन आर इंटरडिपेंडेंट एंड दे कैनॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर. ओके, क्लियर? आई होप आपको समझ में आया होगा. इट इज वेरी इंटरेस्टिंग और मैंने बहुत सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की है. फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो जरूर बताएं. आज का होमवर्क है हाउ टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एनालॉजिकल आर्ग्यूमेंट. इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगेन 6 marks. हाउ टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एनालॉजिकल आर्ग्यूमेंट, जो आप लोग सारे लिखें, याद करके और कल मुझे सेंड करें. ओके, हैव अ नाइस डे.